दोस्तों एपी की आने वाली है, मतलब गेम रिलीज होने से पहले आप इंस्टॉल कर पाएंगे और खेल तो पाएंगे, मतलब इंस्टॉल हो गए तो खेल भी पाएंगे। तो जो भी एपी के इंतजार कर रहा हो एपी के, वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, एपी के आते फटाफट से आपको सबसे पहले मिलने वाली मेरे इस चैनल के थ्रू। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। वैसे तो मेरी सारी वीडियो हमेशा कमाल की होती है, बट ये है पबजी लवर के लिए, यानी कि पबजी लवर अभी जो का पबजी का जो गेम है बैन हो चुका था, लेकिन अभी इंडिया में उसको दोबारा रीलॉन्च करने की तैयारी चल रही है, इवन उसकी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। मेरी पिछली वीडियो आपने जो भी देखी उसमें मैंने बता रखा है, अगर नहीं देखी तो अभी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन अभी यहां पर पबजी को हटा के वहां पर क्या कर दिया हमने, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, मतलब नाम चेंज कर दिया, थोड़ा सा बड़ा नाम है लेने में। हेलो, हाँ भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलेगा भाई, तो थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लगता है, हो सकता है इसका कोई शॉर्ट नेम आए जैसे BMI। खैर हटाते हैं इस चीज को, लेकिन जो भी है नाम को क्या रखा है, मोस्टली अभी भी लोग ये बोलेंगे चला जाए पबजी खेलते हैं। खैर इस चीज को हटाते हैं, लेकिन कमाल की चीज आपको क्या है कि अभी जो है मई चल रही है, मई के एंड तक इसका जो ट्रेलर है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। उसमें हम देखते हैं इसमें ट्रेलर में कैसा धूमधाम धड़ाका सा दे रखा है, कितने कमाल की चीजें इसमें दे रखी है, वहां पर हमें ये चीज पता चलेगी। और इसमें बाकी के कोई बड़े चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस क्या क्या है वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, वो आपको सारी चीजें बताऊंगा क्या टर्म एंड कंडीशन चेंज हुई है। क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी चीज बैठ रही थी कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दी गई थी कि पबजी जो है इतने टाइम तक नहीं खेल सकते, क्या उसकी टाइमिंग है क्या नहीं है, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन की गई थी। लेकिन प्रॉपरली ये इंडिया का गेम हो चुका है, तो यहाँ पर अब सारी अथॉरिटी इंडिया के पास में, अब वो क्या चेंज कर रहे हैं, क्या टाइमिंग लेके आएंगे, कौन सी एज खेल सकती है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ कमाल की बात बता दूँ, मैप भी आने वाला है इंडिया का, मतलब मुंबई में कूदते हैं या श्रीलंका में कूदते हैं या फिर मतलब कहाँ पर कूदते हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों जो भी वीडियो को देख रहा है वीडियो को कर दो लाइक और हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्ट्रिक्शन की। अभी रिस्ट्रिक्शन जो है वो दो तरीके इसमें अभी के लिए दी गई है, जो कि हमें सुनने में आ रहा है कि इसमें जो गेम प्ले है, मतलब गेम जो आप प्ले कर सकते हैं वो 3 आवर्स का ही कर सकते हैं, मतलब 3 घंटे तक आप इसमें लगातार खेल सकते। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए और कितने घंटे बाद में इसको अनलॉक हो जाना चाहिए, मतलब दोबारा हम कब खेलना चाहते हैं इसको। दूसरा रिस्ट्रिक्शन की बात करें, 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस गेम को ना खेलें। अभी 18 साल से, मतलब ये तो वैसे सारे जो भी मार धाड़ वाले गेम होते हैं ना उसमें सब में ये चीज़ दी गई होती है कि 18 साल से कम उम्र वाले ना खेलें, लेकिन क्या है बच्चे भी बहुत चतुर हैं क्योंकि इंडिया की बात चल रही है, वो अपने मम्मी पापा के अकाउंट से खेल ही लेते हैं, ठीक है उस चीज़ को भी हटाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये गाइडेंस दी है तो उसको देखेंगे। अभी बात करते हैं एपी के, एपी के कब आएगी, अभी अपन बात करते हैं एपी के कब आएगी, जून में एपी के आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं बता रखी कि स्टार्टिंग में आएगी, मिड में आएगी, लास्ट में आएगी, कोई टाइम आई मीन जो डेट है वो रिवेल नहीं की गई है, लेकिन जून में आपको एपी के मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात बनती है कि मतलब एपी के आ रही है और गेम को प्ले स्टोर पर लॉन्च करेंगे, ये चीज़ को समझने वाली है। हो सकता है बीटा के लिए वो एपी के से रिलीज़ करें, व्हाटएवर जो भी है देखते हैं आगे क्या है चेंजेस, कौन से नए अपडेटेड आने वाले हैं। पबजी में जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही थी जो कि काफ़ी गलत भी थी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता था कि क्या कर रहे हैं वो, मतलब गेम तो खेलना है, पैसे की जो बर्बादी चल रही थी। पहले आपने न्यूज़ देखी थी किसी ने 17 लाख रुपये अपने पापा के अकाउंट से उड़ा दिए हैं और किसी ने 20 लाख रुपये उड़ा दिए। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी ये चीज़ किया है, पबजी आई मीन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, इस गेम में ये सी चेंज किए गए हैं कि आप 7,000 से ज़्यादा की परचेज नहीं कर सकते, मतलब जो भी आप रॉयल पास वगैरह और ये आउटफिट वगैरह जो उसमें आप परचेज कर रहे थे तो वो आप 7,000 से ऊपर की नहीं कर सकते। अब इसमें बात करते हैं कि भाई इंडिया का मैप मतलब क्या है, अगर ये मोबाइल, ये सिर्फ मैं अपनी सोच में बता रहा हूँ कि अगर ये पूरी तरीके से इंडिया का है, जैसे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, इसमें इंडिया का नाम भी इसमें लिंक कर रखा है, तो मुझे आई थिंक तब ये चीज़ बेस्ट लगेगी कि जब इसमें मैप भी जो है वो इंडिया का ही इसमें डाल दें। अब जैसे मुंबई में उतरना है या पंजाब में उतरना है, एक तो क्या होगा जो छोटे छोटे बच्चे, मतलब छोटे छोटे 18 साल से ऊपर वाले, उनको भी सब पूरा मैप को जैसे छाना हुआ है ना, जैसे पोचिंग की में पता है कहाँ कौन सा घर है, उनको घर तक भी पता है, जॉर्जिया पुल में पता है, वैसे अभी इंडिया का पूछ लेना कि भैया इंडिया में बताओ कि मतलब ये किस तरफ पड़ता है, कौन सी डिग्री पर पड़ता है, किसी को नहीं पता। तो इंडिया का मैप लॉन्च करा जाए
उसमें बताया जाए कि मुंबई उतर रहे हैं या पंजाब उतर रहे हैं या श्रीलंका उतर रहे हैं। अब जॉर्जिया पुल यहाँ का कौन सा बनेगा मुझे कमेंट कर बताना। मैं आई थिंक जॉर्जिया पुल जो बनेगा ना श्रीलंका वाला बनेगा, क्योंकि वही एरिया पानी का है और क्रॉस करके उस तरफ जाना है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, मतलब अगर इंडिया का, मतलब ये सिर्फ मेरी सोच है, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इससे पहले वाली जो चीज़ थी वो सारी चीज़ें न्यूज़ ऐसी निकल के आई, लेकिन ये अनऑफिशियली मैं बता रहा हूँ अपने दिमाग के हिसाब से। आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई मैप आपको कौन सा सही लगेगा, या फिर इंडिया में और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए, कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हैं। अभी जैसे इसमें मैप की तो बात कर दी कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, अभी इसमें जैसे ई रिक्शा भी होना चाहिए, साइकिल भी होनी चाहिए, नॉर्मल सा रिक्शा भी होना चाहिए, ठेले भी होने चाहिए इधर उधर। मतलब अभी जैसे जब इस गेम को विन कर लिया करते थे पबजी वाले को, लेकिन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को अगर हम विन कर लेते हैं तो जैसे पबजी में आता था विनर विनर चिकन डिनर, तो इसमें क्या आना चाहिए आप मुझे कमेंट करके वो भी बताएं। मतलब क्या विनर विनर पनीर टिक्का विनर पनीर टिक्का डिनर, हाँ मतलब कुछ इस तरीके से पनीर चाप, मतलब चाप मलाई चाप डोसा, इस तरीके से ऐसा क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, अगर वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैप में और कौन से चेंजेस होने चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस और होंगे। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, नीचे आपको रेड बटन मिल जाएगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में सभी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।